गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, सॉरी फॉर लेट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था एंड फॉर दैट आई वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड और फाइनली आई होप आई एम कनेक्टेड सक्सेसफुली। जल्दी से बता देना सब कुछ सही चल रहा हो तो जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ सर सब कुछ ओके है, तो विल स्टार्ट, विल गो अहेड विद द सेशन। तो जल्दी से बता दें भाई, सेशन कैसा चल रहा है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं सेशन, तो जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, ओके आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए एवरीथिंग क्लियर, लाउड एंड क्लियर, चलो जल्दी से बता दो भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यस सर, ऑल ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। अब जल्दी से हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग और सेशन में हमारे पास ढेर सारी न्यूज़ और चीज़ें आपके लिए हैं। उससे पहले आप लोगों का जो मेन मकसद, जो मेन मोटो है जिसको लेकर आप लोग चलते रहते हो, उसको जल्दी से एक बार याद कर लो, एक बार रिवाइज़ कर लो। जो मेन मकसद हमारा है, दैट इज़ आई कैन एंड आई विल, दैट इज़ अ सिंपल फंडा, बहुत ही छोटा सा फंडा है ये, और जिससे हम लोग कोशिश करते हैं इस चीज़ को अलाइन करने के लिए कि जो हमारी इच्छा शक्ति है प्लस जो हमारी कैपेसिटी है, उन दोनों को जो है ना हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपने टास्क या टारगेट को आगे लेकर चल पाएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई ये सबको, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई आई कैन एंड आई विल एंड लेट्स गो अहेड। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे सभी बच्चे ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं आई कैन एंड आई विल लिखते हुए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सबको। मैं भंडाकर, रागिनी यादव, कौशिक गोयल, हर्ष गुप्ता, पूनम कुमारी, किरण कुमारी, साक्षी पांडे, सभी लोग जो हैं गुड मॉर्निंग भाई। तो चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ढेर सारा गुड मॉर्निंग यहाँ पर हमें दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छा बात। ओके तो लेट अस मूव अहेड, हम लोग सेशन को जल्दी से जो है सेशन में जल्दी से आते हैं अपने आज की चीज़ों के लिए। ठीक है, ओके तो वेरी गुड, चलिए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बच्चे जुड़ चुके हैं हम लोगों से और जुड़ चुके हैं तो हम लोग जो है आगे चलते हैं। ठीक है, चलो ये हमारे पास जो है आज डेली की तरह जैसा हम लोग लेकर चलते हैं, एक इंस्पिरेशनल कोट, इंपॉर्टेंट डेट एंड डेज, करंट अफेयर का न्यूज़ का एनालिसिस और स्ट्रैटेजी के साथ ही साथ एमसीक्यू, तो इन सभी सेशन को लेकर चलेंगे। सबसे पहले आपके सामने कोटेशन हमारा, हाउ एवर डिफिकल्ट लाइफ में सीम्स देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड एट। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन एक ऐसे महान साइंटिस्ट द्वारा कही गई थी जो अपने आप में शारीरिक रूप से जो है उतने सक्षम नहीं माने जाते थे लोगों द्वारा, बट मेंटली वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि हाउ एवर डिफिकल्ट लाइफ में सीम्स देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड एट। तो अगर ऐसे शख्स ने कहा है और जिसने करके दिखाया है तो जाहिर सी बात है इस बात में बहुत दम है। ठीक है, इसलिए इसको जो है हमेशा आप लोग जो है लेकर चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, वेरी गुड। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि आगे और न्यूज में क्या है। ठीक है, चलो इंटरनेशनल डेट एंड डेज में ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि अगस्त में वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं होता। चलिए एक न्यूज़ जो आपके सामने यहाँ पे कल अगर आपने पढ़ी होगी या मॉर्निंग में आपने पढ़ी होगी तो एक चीज़ आई थी कि गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 78 न्यू रूट्स। ठीक है, 78 न्यू रूट्स अंडर द फोर्थ राउंड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, दैट इज़ उड़ान, यानी उड़े देश का आम नागरिक, ये एक स्कीम है टू फर्दर एनहांस द कनेक्टिविटी ऑफ रिमोट एंड रीजनल एरियाज ऑफ द कंट्री। देखो एक प्लान बनाया गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा, कि मतलब जो छोटे जो देश में बहुत से ऐसे एयरपोर्ट्स भी हैं जो मतलब किसी यूज़ में नहीं थे, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं जो किसी यूज़ में नहीं थे, एक तो उनको रिवाइव किया, फिर कई नए एयरपोर्ट्स को भी जो स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे ऐसे ही करते हुए छोटे छोटे ढेर सारे एयरपोर्ट्स, छोटे छोटे एयरक्राफ्ट्स इन लोगों को यूज़ में लाया गया, अब 100 सीट्स वाले एयरक्राफ्ट को यूज़ में लाया गया। और इससे कोशिश ये की जा रही कि जैसे आप टैक्सी मंगाते हो ना कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए, वैसे ही आप एयरक्राफ्ट का यूज़ करके जो है इंडिया, विद इन इंडिया ट्रैवल करो। बहुत से देशों में, US और इन सब देशों में आप देखोगे तो लोग एयरप्लेन से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग और इंस्टीट्यूट ऑफ गोइंग बाय ट्रेन। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी लाया गया जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखें यहाँ पे,
आगे देखिए, उड़ान आरसीएस उड़ान उड़े देश का आम नागरिक जो है, ये रीजनल पोर्ट्स जितने भी हैं उनको कनेक्ट करने की एक स्कीम है, उनको डेवलप करने की एक स्कीम है, जिससे लोग छोटे छोटे एयरपोर्ट से जो है वो उड़ान भर सकें। ठीक है, मान लो मुंबई से, मुंबई और आप बात करो मुंबई से लेकर एटा आने की बात करो आप, चाहे मुंबई से लेकर अगर आप किसी केरल के किसी साउथ साउथ के किसी एक एरिया से आप आने की बात करो, क्योंकि जब साउथ की बात करेंगे तो खास तौर पे हम लोग त्रिची, तिरुवनंतपुरम और ऐसे चेन्नई ऐसे करके नाम हम लोग जानते हैं। कई ऐसे भी जगहें वहाँ पे हैं जो छोटे हैं लेकिन बहुत फेमस हैं और बहुत जरूर, वहाँ पे जो है सीधे उड़ान का कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, कुशीनगर एक रीजन है तो वहाँ तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, तो ऐसे ही छोटे छोटे जगहों को जो है ना वो एयरपोर्ट से विद इन इंडिया ट्रेवल करने के लिए जोड़ा जा रहा है ताकि आम आदमी भी उस पर जा सके। ठीक है, देखिए ये कहानी कैसे शुरू हुई थी। एक नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी लाई गई थी 2016 में और उसके उससे जो उसको जब अमल में लाया गया तो धीरे धीरे जाके 27 अप्रैल 2017 में प्रधानमंत्री जी ने एक इनोग्रेट किया उड़ान के तहत, दिल्ली से शिमला और कड़प्पा हैदराबाद और नांदेड़ के बीच में फ्लाइट इन्होंने इनोग्रेट किया। ठीक है, तो वहाँ से उड़ान ने उड़ान ले ली। ठीक है, और आपको मालूम ही है कि सिविल, अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो उसमें जो है हरदीप सिंह पुरी साहब जो हैं वो इस समय मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो आप समझ गए उड़ान का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, जैसे हम लोग छोटे छोटे जगहों पे जाने के लिए कार वगैरह और ऐसी चीज़ों के यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे फ्लाइट को यूज़ करने की बात की गई है। फ्लाइट को यूज़ करने की बात की है टू कवर आउट डिस्टेंस दैट इज़ पॉसिबल बाई फ्लाइट, मान लो लखनऊ टू दिल्ली। ठीक है, तो बड़ी उड़ानों की ज़रूरत नहीं, छोटी छोटी उड़ानें होंगी और उसमें जो है सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपके सामने है। चलो, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग एकदम क्लियर देते हुए, ठीक, वेरी गुड। चलो, तो आगे आगे देख लेते हैं अगला हमारे पास क्या है। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI अप्रूव्स द प्रपोजल ऑफ ताऊ इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर शेयर्स इन JB केमिकल्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस न्यूज़ में बहुत चीज़ नहीं, ऐसी घटना डेली कहीं ना कहीं कभी ना कभी होती रहती है। इस न्यूज़ में अगर आप उठाओगे तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बॉडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो चलो ठीक है, न्यूज़ के लिए या बिजनेस उसके लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो, ये जो एक्विजिशन हो रहा है इसमें हो क्या रहा है ये आप समझो। एक ताऊ इन्वेस्टमेंट है सिंगापुर की, जो सिंगापुर बेस्ड एक फर्म है। ठीक है, जो JB केमिकल्स में 64.90% जो है स्टेक वो खरीद लेगी। ठीक है, तो इससे मेजोरिटी स्टेक उसके पास हो जाएगा। ठीक, ये कार्यक्रम है। JB केमिकल्स जो है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में और ताऊ इन्वेस्टमेंट जो है वो सिंगापुर से है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रोल जो आता है CCI का, तो CCI के पास पहले ये लोग जाते हैं अपना, रखते हैं भैया हमारा ये प्रस्ताव है एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग टू गोइंग टू डू। अब CCI ये देखता है कि यार कहीं इसके मतलब कुछ समथिंग इज़ ब्लैक इन द पल्स, मतलब दाल में कुछ काला तो नहीं है, प्रोसेस सब सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये वो देखने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद जब सब कुछ ओके होता है, भारत के लिए कोई उसमें उसको नुकसान नहीं दिखता है, इंडियन मार्केट के लिए कोई नुकसान नहीं दिखता है, जस्टिफाइड तरीका है। ठीक है, मान लो एक्विजिशन आप करने जा रहे हो ना, तो सामने वाला ये भी तो कह सकता है तो मैं तो बेचना नहीं चाह रहा था, इन्होंने तो हमको मजबूर कर दिया, ये वाला केस भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो नियम कानून से बाहर जा रही, तो CCI ये सब देखता है। ठीक है, और उसके बाद उसको अप्रूवल देता है। तो यहाँ पे CCI ने अप्रूवल दे दी, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए CCI की बात हम लोग करते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 14 अक्टूबर 2003 में बना था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, अशोक गुप्ता चेयरमैन है, धनेंद्र कुमार जो है इसके पहले चेयरमैन हुआ करते थे। ठीक है, CCI जब बनाई गई थी, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, तो CCI जब बनाई गई थी तो धनेंद्र कुमार जो है इसके पहले चेयरमैन हुआ करते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ हमारे सामने, अगले इसी न्यूज़ का जो अगला पार्ट हमारे सामने है, दैट इज़ सिंगापुर की अगर आप बात करोगे तो एक बार थोड़ा सा सिंगापुर को देखना ज़रूरी है। ठीक है, देखो ये जो एरिया आपको दिख रहा ना, ये एक्चुअली ये वाला एरिया है। ठीक है, और ये वाला एरिया जब भी देखोगे ना, तो इस समय दुनिया में सबसे कहते हैं ना एक सबसे ज़्यादा अगर कंट्रोवर्सी कहीं हो रही ना, तो ये इसी एरिया में हो रहा है। क्यों? क्योंकि बगल में चाइना है, तो चाइना मतलब क्या, सी फोर कंट्रोवर्सी, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रहा है। चाइना यहाँ पे जो टापूज हैं उनको कब्जे में कर रहा है, अपने अपने जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगा रहा है। कली कांड जानते हो चाइना ने क्या किया? चाइना ने जो जैसे
यूएस का जो कैरियर है, ठीक है, वॉरशिप है, वो टहल रहा है साउथ चाइना सी में। चाइना ने साउथ चाइना सी में ही यूए जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो मतलब जो ये बड़े बड़े जहाज होते हैं ना जिसपे फाइटर प्लेन उतारे जा सकते हैं, ऐसे जहाजों को डुबाने वाला जो मिसाइल होता है उसका परीक्षण उसने किया। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, वो एक नहीं होता दिखाने के लिए, देखो तुम्हारे पास इतनी बड़ी बंदूक है, मेरे पास इतनी बड़ी बंदूक है, ये वाला केस वहाँ पर चल रहा है अभी, ठीक है फिलहाल। ठीक है, तो ये इधर से दम लगा रहे हैं, वो उधर से दम लगा रहे हैं। यूएस जो है वो चाइना जो यूएस जो है वो ताइवान की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहा है, और ताइवान को थोड़ा सा हेल्प आउट कर रहा है, ताइवान को अभी F-16 भी बेच रहा है वो, ठीक है। तो इससे भी चाइना को दर्द है, ठीक है। और पूरे पूरा विश्व जो है वो सी फॉर कोरोना, सी फॉर चाइना एंड सी फॉर कंट्रोवर्सी, ठीक है, CCC वाले कॉन्सेप्ट को समझ गया है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितने भी देश हैं ना इधर साउथ चाइना सी वाले एरिया में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब, और सबसे ये सब जो हैं वो चाइना के खिलाफ अब बोलना शुरू कर चुके हैं। ठीक, तो इतनी बातें आपको क्लियर है। तो अब जान लो ये सिंगापुर जो है ना, सिंगापुर अपने आप में एक कंट्री भी है और एक सिटी भी है। ठीक है, सिंगापुर क्या है, अपने आप में एक राष्ट्र भी है और एक सिटी भी है। ठीक है, इस सिटी का के जो प्रेसिडेंट है दैट इज हलीमा याकूब एंड ली सेंग लूंग जो है लगातार 4 साल से जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंगापुर स्टेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही सिलाट सिलाट जोहर जो है यहाँ पे एक स्पेस आपको मिल जाएगा। ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये सिंगापुर के वाटर माने जाते हैं, मतलब ये सिंगापुर का एरिया माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आगे बढ़ोगे यहाँ से, क्योंकि ये इस मैप में नहीं दिख रहा, यहाँ से जब आगे बढ़ोगे आप लोग इधर, तो ये जो है साउथ चाइना वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, साउथ चाइना सी जिसको कहते हैं, और ये एक मेजर रूट है। ठीक है, ये मेजर रूट है, यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा जो है बिजनेस कमर्शियल चीज़ें यहाँ से गुजरती हैं, और चाइना कोशिश कर रहा है कि उसी पे जो है उस रास्ते को जो है अपने कब्जे में ले लें। ठीक है, तो ये प्रयास चल रहा है और सभी लोग जो है इसका वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। राजेश कुमार सिंह, यस तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो दैट हैज़ बीन ऑलरेडी करेक्टेड इन द PDF। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ अनाउंस 7 न्यू सर्कल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखो, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम क्या है, वो देखती है कि भाई कहाँ पे पौराणिक चीज़ें हैं, हमारे इतिहास के बारे में और जानकारी कहाँ से मिल सकती है। ठीक है, कहाँ पर सरस्वती नदी बह रही है, ये लोग मतलब यही खोजने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो, पास्ट में अगर कोई बात कही गई कि ये चीज़ है, तो उसको आप प्रूफ करने का तरीका आपके पास क्या है, आपके पास प्रूफ करने का तरीका यही है कि उससे संबंधित कुछ साक्ष्य यानी एविडेंस उठा के लाए, जैसे राम मंदिर में किया गया। ऐसे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साक्ष्य थे, वही वहां पे जो है फैसला देने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें माने गए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आप जान लीजिएगा। अब देखिए, कल जो ये ASI है, ये आता है कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चलो बच्चों, जरा सा एक काम करो, मैंने आप लोगों से सेशन शेयर करने की बात तो नहीं किया, ठीक है, तो सेशन जल्दी से भाई शेयर कर दो, एक एक उठाओ और जल्दी से शेयर करना शुरू कर दो सेशन, और लाइक बटन शायद आप लोग नहीं दबा रहे हैं, तो लाइक बटन जो है दबा दो, लाइक बटन दबा दोगे तो यहां पे लाइक लाइक सभी दिखने लगेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो क्लियर हो गए यहाँ पे, चलिए बहुत सही, एकदम लाइक लाइक बटन दबाते रहो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये आता है किसके अंदर, कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री। ठीक है, कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री, और ये कौन देख रहा है भाई, ये देख रहे हैं प्रहलाद सिंह पटेल साहब। ठीक है, अब देखो किसको इन्होंने ऐड किया, मध्य प्रदेश को ऐड किया, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल एंड गुजरात, यहाँ पे जो है त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी, मेरठ, इन लोगों को यहाँ पे इन्होंने ऐड कर लिया है। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, और भी लिस्ट है, ठीक है, ये कुछ नाम है जिनको ऐड किया गया। ठीक, तो इन लोगों को इन्होंने ऐड कर लिया। पहले जो है 29 ऐसे सर्कल हुआ करते थे, ठीक है, इसको बढ़ाया गया। ठीक है, इसको बढ़ाया गया। ASI जो है वो अलेक्जेंडर कनिंगम जो है उन्होंने बनाया था 1861 में। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल, ये पहले डायरेक्टर जनरल इसके बने थे, अलेक्जेंडर कनिंगम जो है अपने आप में जो है भारतीय संस्कृति की अच्छी जानकारी रखते थे। ठीक है, अच्छी जानकारी रखते थे, और उन्होंने जो है ASI जो है उसमें उन्होंने फाउंड किया। ठीक है, अब चलिए, इस समय अगर आप देखोगे तो विद्यावती जिनकी ये इमेज लगी हुई है, ये अभी जो है इसकी डायरेक्टर जनरल है, यानी DG है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई।
चलिए, अब भारत का पहला म्यूजियम उसी में देखो, ये जब हम लोग पढ़ते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, उसी में देखो नई चीज़ निकल के आती है। देखो यहाँ पे हमको क्या मिला, इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजियम वॉज एस्टेब्लिश बाई एशियाटिक सोसाइटी इन 1814। देखो एक नंबर का आपको जानकारी मिल गई, ठीक है। तो जब आप सर्च करते हो कोई भी चीज़, जब न्यूज़ आप पढ़ते हैं, जैसे मैंने ये छोटी सी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है इसमें कि बहुत बड़ा कुछ वो है, लेकिन एक हमको दिखा कि हाँ चलो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ज़रा सा देखें इसके बारे में क्या है। तो इसके बारे में जब ढूंढना शुरू किया, इसके अबाउट अस में जब ढूंढना शुरू किए, तो हमको कई जानकारियाँ मिली थी, जो सब कुछ हम यहाँ समाहित नहीं कर सकता, ठीक है। कई जानकारियाँ यहाँ पे मिली थी, ऐसा ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कई बार उसमें भी रहा है, मतलब विवादों में भी रहा है। एक बार तो जो है आई थिंक सुप्रीम कोर्ट थी या हाई कोर्ट थी, उन्होंने इनको फटकार भी लगाई थी कि भैया आप ताजमहल की देख रेख नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करके जो है कई बार ये भी आया था, और एक बार सीएजी ने भी ये सवाल उठा दिया था कि भैया आपके होते हुए भारत में कई जो पुराने हमारे कल्चरल जो एविडेंसेस हैं वो जो हैं वो या तो विलुप्त हो गए या बुरी जर्जर स्थिति में है, ठीक है। तो ऐसा भी है, कंट्रोवर्सी में भी ये लोग आए। तो ऐसे करके कई सारी कहानियां जो है पता चली जब हम लोग सर्च कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भी सर्च किया करो, कोई भी एक छोटे छोटे एक दो बॉडीज़ उठाओ, गूगल सर्च मारो, गूगल सर्च में आप जो उसके जेन्युइन साइट्स होते हैं उनमें जाओ, उनकी हिस्ट्री पढ़ो, आपको कई चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो हमेशा ये सब याद करने की कोशिश करें। चलो अगली चीज़ हम लोग देख लें, 29-year-old डच राइटर मरीक ल्यूकास रिकनेव्ड हैज़ बिकम द यंगेस्ट ऑथर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ठीक है। नीदरलैंड की 19 वर्षीय मरीको लुकास रिजनेवेल्ड ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीतने वाले सबसे कम उम्र की लेखक बन गई हैं। अब देखो यहाँ पे पहली तो बात यह है कि भाई इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है किसी को, नाम आपको जानना होगा किस लिए मिला, मतलब किस किताब के लिए मिला ये आपको जानना होगा। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये मतलब बाकी लोगों में ये 29 वर्षीय जो हैं ये बाकी लोगों में सबसे कम उम्र की मानी जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ज़रूर याद रखना, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो आप बुकर प्राइज़ सुनते होगे, ठीक है, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ आप सुनते होगे, ठीक है। तो ये याद रखना, ये दोनों डिफरेंट है। पहले बुकर प्राइज़ मिलता था, ठीक है, जिसको मान बुकर प्राइज़ कहते हैं, क्योंकि मान ग्रुप ऑफ कंपनीज इसको, मान ग्रुप जो है वो इसको प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसलिए उसमें मान वर्ड लगता है, बाकी और कुछ नहीं है। तो बुकर प्राइज़ होता है और बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ होता है, ये दो होता है। दोनों में कैसे फ़र्क आप समझोगे, देखो बुकर प्राइज़ जो है ना पुराना वाला 1969 में आया था, ठीक है, 1969 में आया था, और पिछले साल ये अभी अक्टूबर में फिर से डिक्लेयर होगा कि बुकर प्राइज़ किसको मिला है। लेकिन अभी पिछले साल वाला हम लोग देख लें, मार्गरेट एटवुड द टेस्टमेंट के लिए जो कनाडा की, उनको मिला था, और एन बर्नार्डिन एवरिस्टो जो गर्ल वुमेन एंड अदर बुक के लिए इनको मिला था, यूनाइटेड किंगडम की ये हैं। और ये जो है ना बुकर, नॉर्मली ये प्राइस सिंगल को दिया जाता है, लेकिन पिछले साल इन्होंने अपना थोड़ा सा नियम तोड़ा और ये उन्होंने काम किया, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल सही, ये चीज़ अगर आप देखोगे, जो मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ है, इंटरनेशनल प्राइज़ की हम बात करेंगे, तो देखो ये अवार्ड आता है एक ही जगह से, यूनाइटेड किंगडम मान ग्रुप की तरफ से आता है, ठीक है। इंटरनेशनल प्राइज़ में 50,000 pounds मिलते हैं इसमें, पहली बार 2005 में दिया गया था, और इस बार मिलने वाले जो लेखिका हैं दैट उनको एक किताब उन्होंने लिखी थी, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है, ये उन्होंने लिखा था, इसके लिए उनको मिला था। और पिछली बार जोखा अलहारती फॉर सेलेस्टियल बॉडीज, इनको दिया गया था पिछली बार का अवार्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके सामने जो हो गया मान बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में यहाँ पे जानकारी हो गई, इसको नोट कर लो, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात, कोई दिक्कत, कोई ट्रबल, चलो वेरी गुड। अक्टूबर में भी जो है ना आपको प्राइज़ मिलेंगे, मतलब ये जो बुकर प्राइज़ हैं ये अक्टूबर में भी दिए जाएंगे, तो इसलिए एकदम कहते हैं ना आँख कान खुले रखना, क्योंकि अक्टूबर में ये शेड्यूल्ड है, ठीक है। देखो इसमें लिस्ट बनाई जाती है, सबसे पहले एक लॉन्ग लिस्ट होती है, फिर उसके बाद उसमें से छांट के शॉर्ट लिस्ट बनाई जाती है, फिर उसमें छांट के फाइनल लिस्ट बनाई जाती, तो ऐसे होता है, ठीक। तो अक्टूबर में जो है फाइनल लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, मतलब फाइनल लिस्ट कौन है, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बातें, सबको याद हो गई, ठीक है। सेशन शेयर करते रहें, चीज़ें पसंद आ रही, समझ में आ रही, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे जो है बिल्कुल, यहाँ पे नीदरलैंड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डच राइटर मतलब नीदरलैंड की बात करें ना, तो नीदरलैंड के बारे में ज़रा सा कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई, ठीक है। नीदरलैंड के बारे में जल्दी से लिख दो भाई, नीदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, नीदरलैंड का कैपिटल कहाँ पे, करेंसी कौन सा यूज़ होता है, ठीक है। चलो
बिल्कुल, यहाँ पे देखो भीम ने लिखा है, जोका अल्हारती 2019 में मिला था, बांग्लादेश की थी, बहुत अच्छे। ठीक है, यूके के बारे में दीपक कमाल लिख रहे हैं कि यूके लंदन पाउंड बोरिस जॉनसन, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए नीदरलैंड के बारे में जल्दी से लिख दो, एकदम नीदरलैंड के बारे में आप लोग लिखो, तब तक मैं अगले न्यूज़ पे जंप करता हूँ। ठीक है, चलिए, लेजेंडरी असमी सिंगर अर्चना महंता पास्ट अवे इन गुवाहाटी, सी वाज 72। अब देखो ये ओबिचुरी की एक न्यूज़ हो गई, एक सिंगर थी, लेजेंडरी सिंगर थी। ठीक है, असम के कल्चर के लिए ये बहुत ही ये महत्व रखती थी, साथ ही साथ इंडिया के कल्चर के लिए भी। ठीक है, तो इनका जो है निधन हो गया, ये ओबिचुरी में आप न्यूज़ ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे, चलो बहुत अच्छे, एकदम शेयर करते रहें। नीदरलैंड, मैं कह रहे हैं सर, नीदरलैंड एम्स्टरडम एंड यूरो वहाँ पे यूज़ होता है। चलिए एम्स्टरडम, एम्स्टरडम, चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये सेशन जरूर शेयर करते रहो। मार्क राउट इज़ द प्राइम मिनिस्टर, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही, एकदम लिखते रहें। ठीक, वेरी गुड। चलो ये अगले हम लोग उस पर आते हैं, अगला हम देखते हैं अगला न्यूज़ हमारे पास क्या है। ये ओबिचुरी आपने लिख ली होगी, ठीक है, याद रखना, असम से संबंधित हैं ये और ये सिंगर हैं। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, एक हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हुआ करते थे, AR लक्ष्मण साहब, इनका भी निधन हो गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, ही फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट के ये जज हुआ करते थे, AR लक्ष्मण साहब। ठीक है, क्लियर, ये भी ओबिचुरी का पार्ट एक आपके सामने हो गया। अगले पे आते हैं हम लोग, फॉर्मर IOC चेयरमैन संजीव सिंह ज्वाइंस रिलायंस एज ग्रुप प्रेसिडेंट। अब देखो रिलायंस जो कंपनी है, ठीक है, वो पेट्रोलियम से ऑयल से लेकर कई चीज़ें प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उसी ग्रुप के ये प्रेसिडेंट बन गए, पूरा रिलायंस में जो जो आता है, ऑयल वाला आता है, ठीक है, कपड़े वाला आता है, जितने भी आते हैं ना, सबके ये प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, संजीव सिंह, ठीक, रिलायंस ने इनको ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में इनको हायर किया, ये याद रखना। ठीक है, उससे पहले ये क्या था, चेयरमैन थे IOC में, तो ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लेना। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, एकदम नोट करते चले जाना। ठीक है, ये एक अपॉइंटमेंट के सेक्शन का आपका न्यूज़ हो गया, संजीव सिंह जो कि चेयरमैन हुआ करते थे IOC के, अब रिलायंस ग्रुप के ये प्रेसिडेंट हो गए। ठीक, चलो बहुत अच्छा। हाँ, ये अगर आप लोग देखें तो ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ना, ये प्लेन में दो पार्ट होता है, एक तो ऊपर जो छतरी टाइप की चीज़ आपको दिख रही है वो, दूसरा नीचे जो प्लेन इटसेल्फ है, एरोप्लेन इटसेल्फ है। ठीक है, अब देखो ये क्यों फोटो हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे फोटो दिखाने की वजह हम आपको बता दे रहे हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है कि हमको एवॉक्स चाहिए। एवॉक्स क्या होते हैं, ठीक है, एवॉक्स का फुल फॉर्म जरा सा आप लोग बताइए, चलो एवॉक्स को फुल फॉर्म बताओ, तब तक हम कहानी बताते इसमें क्या हुआ। देखो अभी जो हम लोग बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ था, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद, अगर आपने ध्यान दिया होगा, बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ और एयर स्ट्राइक के बाद फिर उसका इवेंट क्या हुआ, उसके बाद का इवेंट क्या हुआ कि पाकिस्तान के कुछ जो है वहाँ से फाइटर उन्होंने स्क्रैम्बल किए, ठीक है, और वो फाइटर जो है वो इंडिया के बॉर्डर तक ही आके फिर वो आप वहाँ से वापस हो गए, जिसमें डॉग फाइट हुआ, डॉग फाइट मतलब एरियल वॉरफेयर, तो वहाँ पे जो है एरियल डॉग फाइट हुआ, और एरियल डॉग फाइट के बाद जो है आपको मिला कि हमारे देश से जो है जो फाइटर प्लेन्स थे वहाँ के फाइटर F-16 उन्होंने मार गिराया, जिस दौरान जो है उस फाइट में हमारा जो है एक मिग विमान जो है वो क्रैश कर गया। ठीक है, तो उसमें जो है अभिनंदन का जो ये केस आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो वाला वहाँ पे प्रकरण चला। ठीक, ये पूरी जो चीज़ें हुई इस पूरे घटना के दौरान जो है ना, एक चीज़ जो रियलाइज़ की गई गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, एक चीज़ जो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ की वो ये थी कि भाई हम लोगों को जो है, हमारे पास क्या था, हमारे पास जो जानकारी का सोर्स होता है ना, जब एयरफोर्स जब आप एरोप्लेन उड़ाते हो हवा में, तो उस वक्त आपको ख़ासतौर पे ऐसी समय में जब युद्ध की स्थिति चल रही हो, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको एक आँख कहते हैं ना, आँख चाहिए होती, आइडिया चाहिए होती। तो मान लो फाइटर प्लेन हवा में ऑलरेडी उड़ रहा है, तो उस वक्त आपके पास ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो ये बता सके कि भाई हमारा फाइटर प्लेन अगर यहाँ है तो इसके आसपास का क्या माहौल चल रहा है। ठीक है, कौन कि दुश्मन देश का अगर प्लेन है तो कहाँ पे है, क्या वो ज़मीन पे है या वो आसमान में है।
ठीक है, अगर आसमान में है कितनी दूरी पे है ये जानकारी आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, तो एकदम जैसे वायरलेस का आपका एक रेंज होता है 100 मीटर 200 मीटर, ऐसे ही जो इस टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं इनका भी एक पर्टिकुलर इफेक्टिव रेंज होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव रेंज को बढ़ाने के लिए आपको कई ऐसे इक्विपमेंट चाहिए जो जगह जगह पर आपको लगाने पड़ते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त जो है भारत सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि हमें जो है ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, हमको अर्ली वार्निंग सिस्टम ऐसे हमको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सरकार ने ये फैसला लिया कि भैया हम जो है फाइनली ये चीज़ें लाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, एकदम क्लियर है। ठीक है, एकदम क्लियर आप लोग जो से बता रहे हैं। ठीक, तो ये चाहिए होता तो वहाँ पे रियलाइजेशन जब हुआ तब फैसला ये हुआ कि हम लोग और एवॉक्स ऐड करेंगे। जानते हो कहानी में क्या है? आप देखो चाइना में अगर आप देखोगे तो चाइना में लगभग 28 एवॉक्स हैं। ठीक है, 28 एवॉक्स वो यूज़ करता है, और बालाकोट स्ट्राइक के वक्त भी पाकिस्तान ने भी कई, मतलब वो तो वही गिफ्ट वाले मिले हुए हैं, कई उसने भी एवॉक्स अपने आसमान में रखे थे। तो उस वक्त हमें लगा कि जो हमारा एरिया है और जो हम बॉर्डर जितना शेयर करते हैं, एक चाइना की तरफ से आप देखो और एक दूसरा पाकिस्तान की तरफ से आप देखो, तो उसके हिसाब से हमारे पास एवॉक्स की आवश्यकता और थी। तो यहाँ पे इंडिया ने ये फाइनल किया कि भैया हम जो है एवॉक्स लेंगे। तो ये मीटिंग अभी चल रही है, फाइनली ये गवर्नमेंट लास्ट में जब ये फाइनल कर देंगी, देखो लेना तो है ये तय है, लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है उसको क्लियर जब कर देगी तो हम लोग जो है इसराइल मेड जो है एवॉक्स हम लोग पा जाएंगे। ठीक है, ठीक, चलो इतनी बात क्लियर हो गई सबको। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, पहले तो एक प्लेन आप खरीदोगे, ये प्लेन जो हम लोग खरीदेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये जो प्लेन हम खरीदेंगे ये एक प्लेन हो गया। ठीक है, तो इस प्लेन का भी इस ऐसे प्लेन को अप्रोच करने में भी 1 बिलियन लगेगा, फिर इसकी टेक्नोलॉजी जो ऊपर है ना इसको खरीदने के लिए भी 1 बिलियन लगेगा, मतलब 2 बिलियन का जो है इसमें एक्सपेंडिचर लगेगा। ठीक है, और ये पूरी तरीके से इसराइल में जाके जो ये निर्मित होगा। ठीक है, हाँ, इसको बनाने में देखो जानकारी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, बता देता हूँ फिर कुछ से। ठीक है, देखो यहाँ पर रडार जो होगा वो फैलकन रडार हम लेंगे, और साथ ही साथ जो रशियन विमान है A-50 एयरक्राफ्ट उसको हम लेंगे, और फिर ये दोनों जो रडार और ये जो रशियन विमान है यानी जो प्लेटफॉर्म है इन दोनों को इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है 1-2 साल या मे बी 3 ईयर्स ऐसा समय लगेगा, तब भारत के बाद भी ऐसे एवॉक्स हो जाएंगे। देखो DRDO भी एवॉक्स बनाता है, ठीक है, अर्ली जो एयरफोर्स के लिए वार्निंग सिस्टम बनाता है, DRDO भी बनाता है, लेकिन और भी हमें चाहिए जिसके पावर थोड़े ज़्यादा हों। ठीक है, और आपको मालूम ही होगा इंडिया में, इंडिया जो है वो आजकल डिफेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक है, खासतौर पे चाइना में जो एक्टिविटीज हो रही है उसकी वजह से। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिल्कुल एकदम शिवम मिश्रा का रिक्वेस्ट जो है एकदम सब लोग सुन लें। ठीक है, क्योंकि जो हमारे टेक्निकल टीम है वो ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में कितना पार्टिसिपेशन आपका है और क्या आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं किस फैक्ट को लेके। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें एकदम। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ जो है वो देख रही है इसको, ये फाइनली उसके पास पहुँचा है, पहले भी पहुँचा हुआ था लेकिन इन्होंने वापस कर दिया। और फिर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को कहा कि भैया बताओ ऐसा क्यों, वाई दिस। ठीक है, तो उसके बाद वो क्लैरिटी करने के बाद फिर CCS के पास आया, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। अब इसमें कौन है भैया, इसके चेयरपर्सन हमेशा कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। और इसमें देखो कौन कौन है, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, सुब्रमण्यम जयशंकर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देख रहे हैं, निर्मला सीतारमन क्योंकि पैसे उन्हीं को देने हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं। तो जो MEA हैं वो देखेंगे कि किस देश से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, पैसे देंगी निर्मला सीतारमण, जरूरत है डिफेंस मिनिस्टर को, ओवरऑल देख रहे हैं कौन, मोदी जी। ठीक है, और हमारे अमित शाह जी जो वो जब ये चीजें आएंगी तो इसकी देखरेख वगैरह मतलब सिक्योरिटी वगैरह वो प्रबंध कर देंगे। ठीक है, समझे, ये क्लियरिटी आप समझो यहाँ पे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये एकदम जो एकदम सिंघम टाइम का एकदम कहते हैं एकदम धांसू टाइप की इमेज जो आपको दिख रही है कि दो शेर की तरह दो बंदे जो चल रहे हैं। ठीक है, ये इसकी कहानी भी हम आपको बता दें। देखो अभी हाल ही में श्रीलंका के जो नए नए फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं ना, जयनाथ कोलंबेक, ठीक है, जयनाथ कोलंबेक साहब जो ये पहले नेवल उसमें नेवी में थे। ठीक है, और ये पहली बार हुआ है श्रीलंका के इतिहास में कि कोई मिलिट्री वाला या नेवी वाला आदमी जो है ना वो फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया। ठीक है, तो जयनाथ कोलंबेक को जो है नेवल सेक्रेटरी बनाया गया, और उनका आते ही उनका पहला स्टेटमेंट देखो क्या है, उनका ये कहना भैया हम हर मामले में भारत को पहले रखेंगे। ठीक है, हम हर मामले में क्या करेंगे, भारत को पहले रखेंगे। तो आप सोचो आपका पड़ोसी अगर कह रहा है कि हमारा भारत जो हमारा पड़ोसी है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
तो एक डिफेंस और सिक्योरिटी लाइन से आप समझ लो आपके लिए हो गया, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी उसके देश में पनपने नहीं पाएगी जो भारत विरोधी हो। और एक सर्वे भी कराया था किसी एक इप्सोस करके एक बॉडी है, उसने जो है सर्वे भी कराया था। और आपको मालूम है श्रीलंका में पूरी पॉपुलेशन से जब सर्वे हुई तो केवल पूरे पॉपुलेशन का 4% लोग जो थे उनके विचार में कहीं ना कहीं भारत के लिए नेगेटिविटी थी, जरूरी नहीं कि दुश्मनी थी, नेगेटिविटी थी कि वो भारत के बारे में थोड़ा पॉजिटिव नहीं थे। केवल 4% श्रीलंका का पॉपुलेशन ऐसी है, बाकी सब जो है वो इंडिया फेवर हैं, 100% इंडिया फेवर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तो न्यूज़ आपके लिए ये है कि फॉरेन सेक्रेटरी वो कौन है, जयनाथ कोलंबे साहब हैं जो श्रीलंका के फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है, हाल ही में आपको मालूम है गोटबाया और महिंदा राजपक्षा दोनों भाई साहब जो लोग हैं ये दोनों लोग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे अगर आप तो राजधानी वहाँ पे जो है श्री जयवर्धने पूरा कुट्टे जो है वो ओरिजिनली एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से राजधानी देखी जाती है, हालांकि पहले कोलंबो देखा जाता था। ठीक है, तो कोलंबो में भी कुछ एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स वहां पे मौजूद हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे श्रीलंका में रूपी यूज़ होती है, कोलंबो का जो एक पोर्ट हुआ करता था ना, ठीक है, कोलंबो जो पोर्ट है ये जिसका जो कोलंबो राजधानी है वो कोलंबो पोर्ट जो है वहाँ का वो मतलब वहाँ का सबसे बिजिएस्ट और सबसे बड़ा पोर्ट है। ठीक है, क्यों है वो भी अभी आपको हम दिखा देंगे क्यों है, वो मैप के जरिए आप समझ सकते हो क्यों ऐसा है। ठीक है, अब देखिए श्रीलंका ने जो है वहाँ पे हबन टोटा पोर्ट एक है उसको ऑफर किया था इंडिया को कि भैया आप ले लो। ठीक है, ये काफ़ी पहले की बात है। फिर फाइनली इंडिया की तरफ से जब रिस्पॉन्स नहीं गया 2017 में मजबूर होकर उन्होंने क्या किया, ये चाइना को 99 वर्ष के लीज पे दे दिया। ठीक है, अब ये उसकी जो प्लेस है अभी आपको नक्शे में हम दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि इंडिया जो चाइना श्रीलंका वॉज स्लिपिंग आउट ऑफ हैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसा भी देखा जा रहा था। ठीक है, लेकिन चलो भैया इनके स्टेटमेंट से ये तो हो गया कि चलो श्रीलंका हम लोग के साथ बहुत अच्छा हमारा पड़ोसी है। ठीक, अब देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक लैंड बाउंड्री है, ठीक है, वो जानते हो क्या है, जो राम सेतु है, राम सेतु है वहाँ पे जो ये बालू जो नहीं है समंदर वाला जो सैंड है उसकी वजह से बस जुड़ा हुआ, उस जगह का नाम है तलाई मन्नार। ठीक है, उस जगह का नाम क्या है, तलाई मन्नार, और वही एकमात्र ऐसा बाउंड्री है जो लैंड बाउंड्री है, बाकी सब तो सी है, आपको मालूम ही आइलैंड कंट्री है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब यहाँ पे देखो इंडिया ने श्रीलंका के साथ 2015 में जो है एनर्जी पैक किया था, न्यूक्लियर एनर्जी पैक किया था, मतलब न्यूक्लियर का यूज़ करके हम बम नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, पावर बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, इसकी बात उन्होंने की थी। ठीक, और हाल ही में आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो श्रीलंका का जो बैंक है सेंट्रल बैंक उसके साथ 400 मिलियन डॉलर का जो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट उसने किया था। करेंसी स्वैप मतलब करेंसी स्वैप क्या होता है ना कि जैसे मान लो हमने किसी को लोन दे रखा है तो उस एक हम लोग फिक्स कर लेते हैं भैया ये इस करेंसी में हमको जो है आप इंटरेस्ट वापस करना, ये वाली चीज़ यहाँ पे होती है। ठीक है, तो करेंसी स्वैप इन्होंने कर रखा था 400 मिलियन डॉलर का। ठीक है, तो ये हाल ही में किया था श्रीलंका के साथ। हम लोग जो है मैत्री शक्ति और स्लाइनेक्स ये दो एक्सरसाइज है जो हम लोग करते रहते हैं, मिलिट्री में मैत्री शक्ति और स्लाइनेक्स जो है वो नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये दो एक्सरसाइज में हम लोग लिप्त रहते हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको आई होप क्लियर हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब नक्शे पे आते हैं, देखो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे श्रीलंका जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए श्रीलंका जो है आपको अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये पेनिनसुलर पार्ट में हमारे जो है यहाँ पे श्रीलंका आपको दिख रहा है। ठीक, चाइना जो यहाँ है, ठीक, चाइना जो यहाँ है इंडिया को अगर घेरना है तो उसको यहाँ, ठीक है, यहाँ और इधर के पार्ट में, यहाँ तो आ ही गया है। ठीक है, तो इधर के पार्ट में उसको आना जरूरी है और यहाँ पे बीच में जो मालदीव्स एंड ऑल दैट है वहाँ पे इनको आना जरूरी है अगर इंडिया को घेरना है। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ देखो हबन पतोता है, अगर आप देखोगे ना देखो ये रहा, ठीक, ये हबन पतोता है। ठीक, और जो कोलंबो पोर्ट की हम लोग बात करें वो ये रहा। ठीक है, तो कोलंबो पोर्ट यहाँ हो गया और हबन पतोता यहाँ। अगर आप देखोगे तो कोई भी जहाज यहाँ से गुजर रही है तो वो इसी माध्यम से जाएगी। ठीक है, यदि माध्यम से उसको जाना है या फिर वो यहाँ आएगी कोलंबो पोर्ट फिर ऐसे निकलेगी। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जैसे नहीं होता कि कुछ सड़क पे कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे जो है आप अगर ढाबा या बिजनेस कोई ऐसा खोल लो तो बहुत चलता है, तो ये हवन पतोता उस मामले में बहुत बढ़िया जगह थी।
ठीक है। इंडिया अगर इसको अगर इंडिया इसको लीज पे लिया होता तो हमारे पास एक मान लो समझ लो एक चौकी होती, एडवांस पोस्ट होता कि हम और आगे इंडियन ओशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते थे। अभी देखो अभी हम यहाँ पे है लैंड वाला कोई भी कार्यक्रम, अगर ये हम ले रखे होते तो हमारा एरिया कहीं ना कहीं बढ़ जाता इंडियन ओशन में, जो है नहीं कहते हैं इंडियन ओशन में एक जो हमारी पकड़ है, इंडियन ओशन में जो हमारा एक जज्बा है वो बढ़ जाता। यहाँ हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड की वजह से ये पार्ट तो हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ की ये जो वास्टनेस देखो ये कितना बड़ा है, तो यहाँ पे अगर आप रहते तो ये इम्पोर्टेंट होता है। फिर साथ ही साथ हम लोग इधर भी जाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, इधर भी अगर हमारे पास अगर पोर्ट्स होते तो हम मजबूत होता है, लेकिन आपको मालूम है ईरान के ईरान जो है अभी अकेले ही उस वर्क को करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो चलो ये मैप हो गया, नक्शा हो गया, मेरे ख्याल से इतना आप लोग देख के आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये याद रखना यहाँ पे ये चीज़ें, और जो हम लोग बात कर रहे हैं देखो ये सैंड ड्यून यही आपका जिसको आप लोग कहते हैं राम सेतु हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। तो यही पोर्शन जो है, यही पोर्शन जो है ये कनेक्टिविटी लैंड बाउंड्री है, ठीक है। लैंड बाउंड्री किसी किसी समय में ये चीज़ जो है एक ब्रिज के रूप में काम करती थी, लेकिन समय के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं ये जो है समुद्र में बहती चली गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए। पंजाब नेशनल बैंक रिसीव फर्स्ट ट्रांच ऑफ रिकवरी फ्रॉम यूएस इन नीरव मोदी केस। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए बन जाती है कि क्योंकि ये नाम आप जानते हो, भारत का बहुत बड़ा डिफॉल्टर इनको है, 14,000 करोड़ कितना इतने का जो है, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा जो है एक तरीके का फ्रॉड इन्होंने किया है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है, ठीक है, लाइक एंड शेयर करो। अभिषेक जायसवाल बिल्कुल सही सही बात है, चलो बहुत अच्छी बात। चलिए किरण कुमारी को कुछ नहीं दिखता दिख रहा है, कोई बात नहीं बच्चे, देखो यहाँ सेशन चीज़ें यहाँ से सही जा रही, आपके एंड पे जो है वो गड़बड़ होगा, ठीक है। चलिए तो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों किस लिए हो गया, क्योंकि ये 14,000 करोड़ में हो क्या रहा था आप देखना, ठीक है, हो क्या रहा था मैं आपको बता दूं। पहले तो इन्होंने ये घोटाला किया, ठीक है, फ्रॉड किया, फ्रॉड किए और ये यहाँ से निकल लिए, ठीक है, ये निकल लिए, जब तक फ्रॉड का पूरा खुलासा हुआ ये यहाँ से निकल लिया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, जो PNB जो पीछे पड़ी हुई थी, PNB और ED और इन सब की टीम जो पीछे पड़ी हुई थी, उन लोगों को पता चला कि ये बंदा जो है ना बैंकरप्सी के लिए फाइल कर रहा है, कि मतलब इसकी जो जो न्यूयॉर्क में कुछ इसके डायमंड के शोरूम वगैरह थे, कंपनियां वगैरह थी, तो इसने क्या क्या वहाँ पर फाइल कर दिया बैंकरप्सी के लिए, कि भैया हम घोटाला हमारा जो ख़त्म हो रहा है, हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है, हम किसी का लोन वापस नहीं कर सकते, हम दिवालिया हो चुके हैं, ठीक है, ये कंगाली वाली स्थिति उन्होंने वहाँ पर घोषित कर दी। तो वहाँ क्या हुआ, तो जो PNB के जो जो इंटरेस्ट जो लोग उसको परस्यू कर रहे थे, उन लोगों ने भारत सरकार को तुरंत ये मैसेज दिया कि भैया देखो इसकी जायदाद वहां बिकने वाली है, ठीक है, उसमें आप भी क्लेम कर दो कि हमने भी लोन दे रखा है। तो वहां पे जो है भारत ने भी अपनी तरफ से क्लेम कर दिया, ठीक है, भारत ने भी अपनी तरफ से क्लेम कर दिया, मतलब पंजाब नेशनल बैंक ने जो है क्लेम कर दिया, और वहां की जो बैंकरप्सी कोर्ट है ना उसने कहा कि नहीं सही बात है, पंजाब नेशनल बैंक भी इसमें हिस्सेदार है, यानी जो चीज बंटेगी उसमें जो पैसा आएगा वो इसको भी मिलेगा, यही तो होगा, जब संपत्ति उनकी बंटेगी तो पैसा आएगा तो इनको भी मिलेगा। तो उसी का ये नतीजा है, ठीक है, उसी का ये नतीजा है कि इनको जो है यहाँ पे उसमें क्लेम मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें इनको क्लेम मिल रहा है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। पंजाब नेशनल बैंक जो है SS मल्लिका राव जो है वो MD और CEO हैं, ठीक है, यहाँ पे, और आप देख पा रहे हो अगर इमेज में यहाँ पे, तो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक जो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों बैंक पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुके हैं, जो कंसोलिडेशन का एक्सरसाइज हो रहा था ये दोनों उसमें मर्ज हो चुके हैं, यानी ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक अब गायब हो गए, पंजाब नेशनल बैंक बचा हुआ है, ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है, बिल्कुल। नीरव मोदी ने जो है बहुत बड़ा जो है वो गोल्ड के व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है, और काफ़ी अच्छी पकड़ थी, ठीक है। PNB जो है 1894 में बनाया गया था, लाहौर में इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, लाला लाजपत राय जी का जो है इन्वेस्टमेंट इसमें था, ठीक है, लेकिन बाद में आज़ादी के बाद जो है इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में शिफ्ट हो गया, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सबको, ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है, ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, मतलब भारत सरकार ने इसको जो है खरीद लिया था, इसके स्टेक खरीद लिए थे और ये सरकारी उस दिन से होने लगा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, स्टैटिक GK का पार्ट जो है आपके सामने, इसको जरूर
ज़रूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, जिसमें हम पार्क वगैरह जो पहले भी शेयर्ड हैं वो पार्क वगैरह शेयर्ड कर रखा है, इंडेक्स है, और साथ ही साथ अवार्ड जो हैं, जो इस साल के अवार्ड्स हैं वो आपको शेयर कर रखा है। आप इसको एक बार जो है PDF में ज़रूर एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है, रीड आउट कर लेना। बाकी तो हम लोग न्यूज़ वगैरह इसके संबंधित देखते रहेंगे, ठीक। चलो MCQ सेक्शन पर आते हैं बच्चों, जल्दी से MCQ सेक्शन आ चुका है, इसलिए आप लोग जल्दी से इसको शेयर करें, रेडी हो जाएं। 25 सेकेंड का टाइम देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है, 25 सेकेंड का ही टाइम लेंगे, और मैं थोड़ा सा मिस्टर इंडिया हो जाऊं। ये लो, मैं हो गया गायब, ठीक है, मैं हो गया गायब, और आप लोगों के सामने मैं सवाल लाने जा रहा हूं। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर द सेशन? चलो जल्दी से बताओ भाई, आर यू रेडी फॉर द सेशन? जल्दी से PDF कैसे मिलेगी? गणेश हर्ष पूछ रहे हैं, रुको मैं आपसे टेलीग्राम का शेयर कर देता हूं लिंक, इसका यूज़ कर लेना और आप जो है उसमें चले जाना, उसमें आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल सभी लोग तैयार हैं, ये टेलीग्राम का लिंक मैं डाल रहा हूँ, इसी भीड़ में कहीं से ढूंढ लेना, ठीक है। ठीक है, इससे उसमें ज्वाइन हो जाना, आपको मिल जाएगा। चलो सब लोग तैयार हैं तो हम लोग सेशन में अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। MCQ का पहला सवाल आपके सामने, जल्दी से बताएं भाई। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी हैज़ इनोग्रेटेड 45 न्यू हाईवेज प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? जल्दी से बताओ, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे एक जानकारी भी है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे कौन है? नितिन गडकरी, ये जानकारी आपके लिए है। बाकी ऑप्शन में आपके सामने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। जल्दी से बताओ भाई, समय आपका समाप्त हो रहा है, घड़ी देखते रहो, नीचे चल रही है। चलो वेरी गुड, आंसर जल्दी से देना शुरू करें आप लोग, ठीक है। और बीच बीच में एक एक बार ना आप लोग अपने वीडियो रिफ्रेश भी कर लिया करो। कई बार क्या होता है ना कि मैं मैसेज बहुत पहले भेज रहा हूँ और आपका रिप्लाई बहुत लेट के बाद आता है, तो इसका मतलब यह है कि बीच बीच में एक बार रिफ्रेश कर लिया करो, इससे जो है ना सिंक हो जाएगा वो, ठीक है, लाइव हो जाएगा एकदम। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पे जवाब आ गया, सब लोग जो है कह रहे हैं सर MP यानी कल की क्लास सभी लोगों ने की थी, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश ही है। बाकी आप कैपिटल करेंसी के बारे में जानते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पटनायक जी आपको आएंगे, पेटा वाले पटनायक जी, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो आनंदी बहन पटेल जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों देख रही हैं, और यहाँ की बात करें हम लोग, ठीक है, तो हाल ही में जो है लालजी टंडन साहब का निधन भी हो गया था, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करोगे तो शिव भोजन ये लोग देते हैं, ठीक है, शिव भोजन देते हैं ये लोग, ठीक है। तो महाराष्ट्र की हम लोग बात करें, और जो कोश्यारी साहब हैं ये गोवा भी देख रहे हैं, ठीक है, हाल ही में ये आपको पता चला होगा, ठीक है। और गोवा के जो मलिक साहब थे, मलिक साहब को भेज दिया गया, कहाँ पे, मेघालय पे भेज दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं, जिसको आप लोगों को हमेशा याद करके रखने की आवश्यकता है, हमेशा उसमें पड़े रहना, ठीक है, उसमें पड़े रहना मतलब हमेशा उसको डिस्कस करते रहना। डिस्कस करोगे चीज़ें याद रहेंगी, नहीं करोगे नहीं याद रहेंगी, ठीक है। उसी क्वेश्चन को 10 बार अटैम्प्ट करो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कई चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलो तो ये अगले सवाल पर हम लोग आते हैं, अगला सवाल है आपके लिए। रिसेंटली हु हैज़ बिन, ठीक है, Who has been appointed as a managing and chief executive officer of SBI Mutual Fund? अब देखो बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पे, ठीक है। SBI Mutual Fund, इस समय SBI बहुत उसमें अपॉइंटमेंट और ये हो रहा है, अभी आपको मालूम है इसके चेयरमैन जो है ना रजनीश कुमार जो है ना, इनका भी कार्यकाल अगले उसमें ख़त्म हो जाएगा लगभग, ठीक है। और रजनीश साहब जो है वो IBA के भी हेड हैं, ठीक है, तो इनका भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है, अक्टूबर में प्रोबेबली इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो अभी जो है उनके उनके बाद कौन होगा ये भी ढूंढा जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल एकदम तुलसाराम, जय हिंद भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एकदम आंसर आ गया, रोको टोको भी वहाँ पे चल रहा है ना मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही एकदम, रोको टोको मध्य प्रदेश में चल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया, बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पे विनय टोनसे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे GP गर्ग क्यों नहीं होगा, अश्वनी भाटिया क्यों नहीं होंगे, सुमित देव क्यों नहीं, राजीव कुमार क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं भाई? चलो आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए क्यों नहीं होंगे, ये भी विनय टोनसे तो क्लियर हो गया आपका। अश्वनी भाटिया जो है ना वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी अभी हाल ही में आए, नए नए हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज ना होना कभी उसको, ठीक है। सेबी में जो GP गर्ग साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनका वो बन गए हैं, ठीक है, और सेबी के जो त्यागी जी हैं, ठीक है, अजय त्यागी, उनका जो है 18 महीने के लिए कार्यकाल भी बढ़ाया गया, ये आपको मालूम होगा। सुमित देव जो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CMD बन गए हैं, और वाइस चेयरमैन है हमारे नीति आयोग के राजीव कुमार जी, ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। चलो CEO कौन है नीति आयोग के? अमिताभ कांत, ठीक है, बहुत अच्छा।
अगला सवाल आपके सामने, नेम द क्रिकेटर हु बिकेम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन अ टेस्ट मैच क्रिकेट रिसेंटली। जल्दी बताओ भाई, उस खिलाड़ी का नाम आप बताओ जिसने जो है 600 विकेट लिया है हाल ही में टेस्ट मैच क्रिकेट में। ठीक है, टेस्ट मैच क्रिकेट में कल याद होगा आपको सिंघम टाइप की फोटो मैंने दिखाई थी, एक बंदा खड़ा था एकदम। ठीक है, तो जल्दी से बताओ भाई वो नाम क्या है। यहाँ पे रोज टेलर हैं या विराट कोहली हैं, बाबर आजम है, रोहित शर्मा है या जेम्स एंडरसन है। देखो यहाँ पे एक नाम तो ऐसे ही काट दो लो, ठीक है, बॉलिंग से इनका कोई लेना देना ही नहीं भाई। ठीक है, शर्मा जी को भी हटा दो, अब बचे तीन लोग, मतलब इंडिया इंडियन खिलाड़ी को तो जानते ही होगे ना आप। ठीक है, अब बचे खाली तीन लोग, रोज टेलर, बाबर आजम और जेम्स एंडरसन, हम मान सकते हैं, इसके बारे में नहीं मालूम है। ठीक है, सूरज सचान कह रहे हैं सर दिल्ली पुलिस के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या। देखो अगर करंट अफेयर की बात करो, देखो करंट अफेयर डेली आप पढ़ो, उसी में स्टेट के अलग करते जाओ। जैसे मध्य प्रदेश में जो हाईवे वाली बात हुई, 45 जो रोड्स की बात हुई, तो वो जैसे ही आए ना तो उसके आगे लिख दो MP GK। ठीक है, MP GK तो वो मध्य प्रदेश का GK हो गया। ऐसे करके आप छांटा करो, पढ़ना तो डेली पड़ेगा भाई। ठीक है, पढ़ना डेली पड़ेगा और सभी न्यूज़ को लेकर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सभी न्यूज़ को आपको लेकर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ने का मतलब यहाँ पे रटाफिकेशन नहीं है, क्रैम नहीं कर सकते, उसको डिस्कस करो, बात करो। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। चलो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, बच्चों का कहना सर जेम्स एंडरसन होना चाहिए। जल्दी से बताओ जेम्स एंडरसन खिलाड़ी कहाँ के हैं। ठीक है, जेम्स एंडरसन खिलाड़ी कहाँ के हैं, और साथ ही साथ अगले सवाल का जवाब आपके सामने, अगला सवाल है, जवाब भी उसका तैयार कर लेना। रिसेंटली हु हैज़ बैग्ड द फर्स्ट एवर गोल्ड फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप। बाप रे बाप, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप, वन दिमागी कैलकुलेशन की बात यहाँ पे हो रही है। नीलाकांत भानु प्रकाश, ग्रंथ अक्कर, वेद प्रकाश, प्रियांशी सोमनी, अर्नब चौधरी। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई जेम्स एंडरसन कहाँ के हैं, और दूसरा इसका सवाल का जवाब। अच्छा, ही इज फ्रॉम इंग्लैंड, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल प्रॉम्प्ट रिप्लाई था, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो यहाँ पे जल्दी से बताओ भाई, नीलाकांत भानु प्रकाश, ग्रांत ठक्कर, वेद प्रकाश, प्रियांशी सोमनी, अर्नब चौधरी, कौन है जो मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता उन्होंने, पहला फर्स्ट एवर गोल्ड। ठीक है, मेंटल कैलकुलेशन मतलब जान रहे हो, जैसे हमने आपसे बोला कि बताओ 2 2 2 जा कितना होता है, तो आपने कह दिया 4, तो इसके लिए आपको हमने गोल्ड अवार्ड दे दिया, ये उस टाइप की चीज़ है। ठीक है, चलो आंसर हम दे देते हैं आपको। आंसर यहाँ पे है नीलाकांत भानु प्रकाश। ठीक है, नीलाकांत भानु प्रकाश जो है इनको ये अवार्ड मिला। अगले सवाल आपके सामने, हु हैज़ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ MD CEO ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, MD एंड CEO जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के, उन्होंने रिजाइन किया था, उनका नाम बताओ जल्दी से। चलो आपका रिविजन भी होता जा रहा है मेरे ख्याल से यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, यहाँ पे आंसर सभी लोग देते हुए पार्टिसिपेट करते हुए, बहुत अच्छी बात है, एकदम सेशन को शेयर करते रहो बच्चों, और ज़्यादा सवाल नहीं रह गया इसलिए जल्दी सेशन शेयर करते रहो। ठीक है, रोहित शर्मा फॉर राइनो आसाम, वेरी गुड, एकदम मतलब रीजनिंग लगा दिए तुम लोग क्रिकेट वाले क्वेश्चन में, वेरी गुड, ऐसे भी चल सकता है भाई, रीजनिंग भी लगा के आप GA सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, नंबर सही होना चाहिए बस, समझ लो इतना। ठीक है, वेरी गुड, चलिए यहां पे जवाब आना शुरू हो चुका है। ठीक, इंग्लैंड, वो जेम्स एंडरसन वाला जवाब भी आना शुरू हो चुका है, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये यहाँ पे जल्दी से बताओ भाई, रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली ये सवाल का समय हो, हालांकि इसका समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक मौका और देता हूँ, एक बार सवाल और इसका जवाब दे दीजिए कि किसने रिजाइन किया भैया इंडिया एनर्जी एक्सचेंज से, जल्दी से बताओ। चलो आंसर हम बता देते हैं आपको, दो नंबर है, राजीव श्रीवास्तव ने हाल ही में रिजाइन किया है, बाकी आपको मालूम है यहाँ पे अगर अजय त्यागी की बात करेंगे तो सेबी में ये चले जाएंगे। ठीक है, सेबी के ये हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करेंगे अगर, सॉरी गिरीश चंद्र मुर्मू कहाँ से याद आ गया मुझे, ठीक है, गिरीश चंद्र की बात करें तो ये NSC के हैं। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी लिखा हुआ, जैसे मुर्मू लिख देंगे तो प्रोफाइल बदल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मनोज सिन्हा जी को आपको मालूम ही है, जेके के ये LG बन गए हैं, सामंत गोयल साहब रॉक हेड हैं, या ये आपको मालूम ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जानकारी जो है एकदम ये
ऐड करते चले जाना। बस ये यहाँ पे ये हो गया कि भाई इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से जो इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनको पढ़ते पढ़ते हम लोग सेबी के बारे में भी जान गए, एनएससी के बारे में भी जान गए, साथ ही साथ जो एलजी साहब हैं जम्मू कश्मीर के और रॉ के हेड के बारे में भी जान गए। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहो, एक सवाल में कई जवाब जो है ढूंढ लिया करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है एकदम। सेशन को लाइक जरूर करना बच्चे, बिल्कुल एकदम। शिव कुमार ने देखो गिरीशचंद मुर्मू की बात कर दी यहाँ पे, देखो गिरीशचंद मुर्मू के बारे में बताएं तो आर्टिकल 370 और 35E जो जब से हटा यहाँ से जम्मू कश्मीर से, ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर को जो है जम्मू कश्मीर को जो है जेके और जो लद्दाख का रीजन उसमें बदल दिया गया, ठीक है, अब यूनियन टेरिटरी में भी कन्वर्ट कर दिया गया। तो वहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को भेजा गया, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को भेजा गया, उन्होंने उस कार्यकाल को संभाला अच्छी तरीके से। अब मनोज सिन्हा साहब वहाँ पे आ गए और मुर्मू साहब को भेज दिया गया सीएजी में, ठीक है, सीएजी में भेज दिया गया। इससे पहले मुर्मू जी से पहले सत्यपाल मलिक साहब हुआ करते थे, सत्यपाल मलिक जी जो हैं वो चले गए गोवा, ठीक है, छुट्टी मनाने नहीं गए, वहाँ पे गवर्नर बन के गए, ठीक है, और फिर वहाँ से ये चले गए कहाँ पे, मेघालय, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेघालय वाले साहब जो हैं वो रिटायर हो गए और महाराष्ट्र वाले साहब को गोवा दे दिया गया, एक बगल में है भैया घूम के चले आना, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट गवर्नर जनरल हुआ करते, देखो वहाँ पे नाम आधा ही तो चर्चा हो गया यहाँ पे। चलो जल्दी बताओ, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज साइन 500 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद विच बैंक टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मुंबई सब अर्बन रेलवे सिस्टम। तो मुंबई में जो रेलवे सिस्टम है ना वहाँ पे, ठीक है, उपनगरीय रेलवे सिस्टम जो अंदर आप देखते हैं क्राइस्टचर्च से लेके वर्सोवा वगैरह, ठीक है, तो वो जो रेलवे सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए, वहाँ की क्वालिटी और सेफ्टी मेंटेन करने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने जो है वो 500 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट किया है किस बैंक के साथ। भाई जाहिर सी बात है, अगर लोन एग्रीमेंट किया है तो वहाँ से पैसे मिले होंगे हमें अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, यानी डेवलपमेंट के लिए पैसा मिला होगा। अब देखो, अब डेवलपमेंट के लिए पैसा कौन कौन यहाँ से देता है ये दिमाग लगाना आप लोग शुरू कर दो, ठीक है, जैसे दिमाग लगाओगे, रीजनिंग लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, चलो जवाब मैं बता देता हूँ, दो नंबर है, हमने एक हिंट भी आपको दिया था, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने ये पैसे दिए हैं, ठीक है, आईएमएफ इसके लिए पैसे नहीं देता है। आईएमएफ जब पैसे आपको देता है ना, खासतौर पर फॉरेन एक्सचेंज वगैरह बिजनेस से रिलेटेड वो पैसे देता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक दे सकता है, बिल्कुल, एशिया डेवलपमेंट बैंक भी दे सकता है। वर्ल्ड बैंक जो है ना वो डेवलपमेंट के लोन देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सस्ते वाले लोन देता है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खासतौर पर इसका फोकस जो है ना मतलब वेरी अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होते हैं ना, पुअर कंट्रीज के कैटेगरी में आते हैं, उनको रखा जाता है, और भारत कहीं ना कहीं उसे बहुत बाहर आ चुका है, ठीक है जी। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, एक्सिस बैंक है डिसाइडेड टू एक्वायर हाउ मेनी परसेंट ऑफ स्टेक, इसका मतलब ये होगा फिल इन द ब्लैंक, इक्विटी शेयर इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक जो है अब वो निवेश करने जा रहा है, तो कितने परसेंट का निवेश वो करने जा रहा है, 12, 10, 17, 18 या 20। देखो ये केक वाला खेल है, जो हम लोग कहते हैं ना शेयर जो है ना इन्वेस्टमेंट स्टेक, ये केक वाला खेल है। मान लो इतने का केक आपने खरीदा, ठीक है, इस केक की कीमत थी 100 रुपये, ठीक है, तो इसमें जो है मान लो कुछ हिस्सा जो है मैक्स ने पैसा दिया होगा और कुछ पैसा जो है वो एक्सिस ने दिया होगा, हो सकता है कई और लोगों ने भी दिया होगा, ठीक है। तो यही आपसे सवाल पूछ रहा है कि इस केक में कितना परसेंट पैसा लगाने जा रहा है कौन, एक्सिस बैंक, ठीक है। इस केक का नाम क्या है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इसका नाम है, ठीक है। चलिए जवाब यहाँ पे आना शुरू हो चुका है, 3 नंबर, 17% का केक जो है वो एक्सिस बैंक खाएगा, ठीक है, 17% का केक जो है वो एक्सिस बैंक खाएगा। क्लियर हो गई इतनी बातें, चलो बहुत अच्छी बात, एकदम पार्टिसिपेट करते रहें सेशन में और चीज़ों को समझते रहें आप लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो बच्चों, तो देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या है, ठीक है, साथ ही साथ आपको मालूम ही है एक्सिस बैंक की जब हम लोग बात करेंगे तो 1993 में बनाया गया था, राकेश मखीजा इसके चेयरमैन है, अमिताभ चौधरी जो हैं इसके इस समय MD & CEO हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विथ माइक्रोटेक इन्वर्टर, ठीक है, इसको इसका नाम सुनते मुझे इन्वर्टर याद आता है, MOU विथ माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजी टू सेटअप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट, ठीक है। तो किस राज्य सरकार ने माइक्रोटेक को कहा कि भैया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप मेरे स्टेट में इस्टेब्लिश करो, अब ये ऐसा कौन कह सकता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, कौन है भाई जल्दी से बताओ इसमें से आंसर। चलिए बहुत सही, एकदम आंसर बता दें कि कौन है, किसने, किस स्टेट ने ये बात कही है। चलो आंसर बता देता हूँ क्योंकि समय समाप्त हुआ, तो हिमाचल प्रदेश की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश ने ऐसा इनविटेशन माइक्रोटेक को दिया है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये है, रिसेंटली हु हेडेड द नीति आयोग टास्क फोर्स
विच रिकमेंडेड द लिंकिंग ऑफ सुगर कैन प्राइस टू सुगर रेट, ठीक है, यानी चीनी के दाम से चीनी जो गन्ने का दाम है ना उसको जोड़ दिया जाए, ये कहा गया कि मान लो अब चीनी अगर 40 रुपये केजी बिक रही है तो इसी हिसाब से गन्ने का भी रेट रख दिया जाए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना, गन्ने का प्राइस अपने आप से जो है मार्केट के हिसाब से चलने लगेगा, जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। ठीक, तो ये आपके सामने है। अब जो कमेटी बनाई थी, नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स बनाई थी, उसके हेड कौन थे, अमिताभ कांत थे, अनुराग श्रीवास्तव, वीके सारस्वत, रमेश चंद या राजीव कुमार, ठीक है, ये सभी लोग जो हैं ऑलमोस्ट ये नीति आयोग के ही मेंबर हैं आपको अगर देखोगे तो। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ भाई, चलो यहाँ पे आंसर हम लोग देख लेते हैं समय क्योंकि इसका समाप्त हुआ। 4 नंबर रमेश चंद, ठीक है, रमेश चंद, ठीक है, इज ऑल्सो मेंबर ऑफ नीति आयोग। चलिए आगे देख लेते हैं। रिसेंटली विच प्राइवेट बैंक हैज इंट्रोड्यूस लिबर्टी सेविंग अकाउंट फॉर द इंडियन यूथ टू एड्रेस द एवर चेंजिंग लाइफस्टाइल नीड ऑफ यंग पीपल एंड डिजिटली इंटरेस्टेड इंडियन। अब देखो यहाँ पे एक लिबर्टी सेविंग अकाउंट खोला गया है, युवाओं के लिए खोला गया है, ठीक है, युवाओं के लिए खोला है, विशेषली किस बैंक ने खोला ये पूछा गया आपसे। अब देखो यहाँ पे एक्सिस बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक, इतने आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से बताओ कौन यहाँ पे आंसर है। बिल्कुल सही, एकदम जवाब देने की कोशिश स्किप कर दिया जा रहा ने, वेरी गुड, आंसर नहीं आया स्किप कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं, प्रवीण ने भी स्किप मार दिया है। ठीक है, वेरी गुड, चलो एकदम एकदम आंसर जो है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग आंसर क्या है, क्योंकि आपका जितना टाइम देना था वो ख़त्म, एक्सिस बैंक ही है। ठीक है, तो दो जगह आपको एक्सिस बैंक मिल गया, और आपको मालूम है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एमडी जो हैं वो अमिताभ चौधरी हैं एक्सिस बैंक के, यस बैंक में प्रशांत CEO जो हैं वो प्रशांत कुमार है, इंडस बैंक में जो है सुमंत कटपलिया साहब अभी हाल ही में ये भी आए हैं, संदीप बख्शी CEO हैं ICICI में, और शशिधर जगदीशन जो हैं वो रिप्लेस करेंगे आदित्य पुरी को HDFC बैंक में। ठीक है, चलिए तो ये इतने आपके सामने जो है आज के सवाल रहे हैं, और इसके साथ ही साथ सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा, और सेशन को सेशन एंड होने के बाद भी उसके लिंक को आप लोग बिल्कुल शेयर करिए, ठीक है, अपने फेसबुक वगैरह पर डाल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल कि भैया जो है ये सेशन देख लो, तुमको कैसा लग रहा है, ठीक है, अच्छी पढ़ाई हो रही कि नहीं, ये बिल्कुल आप लोग इसका फीडबैक बिल्कुल आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, और जितना भी है जो लोग भी हैं अभी आप लोग ग्रुप में बिल्कुल शामिल हो जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप लोगों को जानकारी की किसी टाइप की जानकारी वगैरह चाहिए होगी, शेयर करनी होगी, या PDF जो है वो आपको वहाँ पे शेयर हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिएगा। चलो तो फिलहाल विल कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे मतलब बाकी दिन तो बाकी है लेकिन इस शो के लिए कॉल इट अ डे, ठीक है, और विल सी यू टुमारो, ठीक है, विल सी यू टुमारो विद लॉट्स ऑफ न्यूज़ एंड एनालिसिस, और बहुत सी जानकारी हम लोग लेकर जो है कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो, ठीक है, ऐसे ही आप लोग जो आते रहें, ठीक है, ऐसे ही आते रहें, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। महिंद्रा का जो यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटी उस पर बनी रहती है बेल, उसको जरूर हिट कर दिया करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द सेशन, ठीक है, सी यू।